नमस्कार। तो आज आपके हम ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में जानने के पहले, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रैटेजी लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओगे तो आपको स्ट्रैटेजीज का कॉलम लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इंट्राडे और पोजिशनल स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो इसमें बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की स्ट्रैटेजीज है। तो बात करते हैं ओरियन ग्रीन पावर में। पिछले 3-4 दिनों से ओरियन ग्रीन पावर एक अच्छी मोमेंटम के साथ नजर आ रहा है, फिर से 10 लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जैसे ही ओपन हुआ प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लिया था और वही से स्टॉक ने 10 लेवल को ब्रेक किया और 10 लेवल के ऊपर ही सस्टेन था और एंड ऑफ द डे में स्टॉक में और तेजी देखने को मिली, जिसके एक दिन यहाँ पे हाई के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है आज के। तो देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है 810 करोड़ का है, पी रेशो भी बढ़ रहा है यहाँ पे ओरियन ग्रीन पावर का 23 से ऊपर। और लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 डेज की मोमेंटम भी देखी जाए, पिछले 5 दिन में 18% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 20% का रिटर्न दिया है ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक ने। चार्ट के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे भी नजर आ जाए कि पिछले 3 दिनों से स्टॉक के अंदर एक अच्छी मोमेंटम आ रही है, जिसके कि यहाँ पे देख सकते कि जो रेजिस्टेंस जो लगेगा वो 11 लेवल पे लगेगा, पर एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट होती है तो इजीली 11 लेवल को भी ब्रेकआउट मिल सकता है और 12 to 13 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं स्टॉक के अंदर। उसके लिए वॉल्यूम्स भी पॉजिटिव चाहिए, वॉल्यूम्स भी अच्छे चाहिए, जैसे कि ये पीरियड में वॉल्यूम्स आए थे वैसे वॉल्यूम्स आते हैं तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकता है और ऊपर ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक को होना चाहिए जो कि ऊपर की तरफ अच्छी मोमेंटम नजर आ जाएगी।